अगर पापा जी और आनंदी मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, इट्स एब्सोल्युटली ओके विद मी। तो तलाक के लिए आप दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं? अभी डॉक्टर सिमरन इस बच्चे की नेचुरल गार्जियन रहेंगी। हम आज रात को ही हनीमून के लिए चले जाएंगे। अभी मन्नु को बुखार है, सोचा उसे जाके मिलाओ। मेरी फिक्र मत करो, पापा आने वाले हैं, आप जाओ। भाभी, भाभी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई डॉक्टर सिमरन। थैंक यू। अभी तक हम आपको एक्सट्रीमली क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट मानते थे, आप परफेक्ट डॉक्टर, लेकिन आपसे बात करने के बाद लगा कि आप एक फिलोसोफर भी हैं। प्लीज आप इतनी तारीफ मत कीजिए, ये बस अपना अपना नजरिया है। आपके फादर का आपकी सोच पर काफी इन्फ्लुएंस लगता है। हाँ, हो सकता है। उनके हेल्पलाइन भी तो पब्लिक वेलफेयर के लिए है। जी हाँ, एक्चुअली हम उसे काफी ब्रॉड बेस देने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको पापा से ही बात करनी होगी। थैंक यू डॉक्टर, वी शुड टेक यू लीव। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। आनंदी बार बार मुझे फोन कर रही है, ऐसी क्या बात है जो वो करना चाहती है? मैं आनंदी को कैसे समझाऊं कि मम्मी जी ने मुझे कसम दी है? क्या हो गया मुझे? आनंदी से तो मेरा रिश्ता नहीं टूटा, तो क्यों मैं ऐसी जबरदस्ती ली हुई कसम को मान लूं? आप ओटी में ले जाइए उन्हें, मैं आ रही हूँ। ले अभी एप्पल खा, बड़े दिनों के बाद तेरा बुखार उतरा है, कमजोरी हो जाएगी। तो आप बनी गई किरण की सास, इससे कुछ नहीं कह रही खाने के लिए आप? अरे मैंने उसे बहू नहीं बेटी से बढ़ के समझा। दी को बता दूं जाके? अभी जाके कह दे तो हम कहाँ क्यों रहे, इसी बहाने घर तो आएगा। वैसे भी तुम भाई बहन बहुत दिन से मिले नहीं हो। कैसी है दी? अच्छी है, अब सातवां महीना लग गया है ना, तो थोड़ा चलने फिरने में परेशानी हो रही है। आज सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं। दी का थोड़ा ख्याल रखना मामा, पिछली प्रेगनेंसी में भी इतनी तकलीफ उठाई थी उन्होंने, कम से कम इस बार तो थोड़ा आराम से हो सब कुछ। पता है पिछली बार सिमरन ने जान बचाई थी दी की, वरना हम सब लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी बिल्कुल। आई नो, कई बार बता चुके हो तुम। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, तुम लोग एयरपोर्ट के लिए कब निकलोगे? बस अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। दी की डिलीवरी तो हमारे आने के बाद ही होगी ना, तो चिंता नहीं मुझे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा। फोन करने का मन कर रहा है दी को, करूँ क्या? रहने दो अभी, अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो सबका मूड खराब हो जाएगा। तू चिंता मत कर अभी, मैं मौका मिलते ही उसे बता दूंगी कि तू कितना याद कर रहा था। अच्छा मैं चलती हूँ, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। रुको, मैं छोड़ के आता हूँ, रात बहुत हो गई है। तू बैठ, एयरपोर्ट जाने में देर हो जाएगी, अपना सामान पैक करो, अपना ख्याल रख। चलती हूँ। तू बैठ ना, बैठ बैठ।
माँ भी क्या कमाल चीज होती है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो भागी भागी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आई तो इस बात की चिंता लगी हुई है कि दी को कौन सा भालेगा। हम दोनों की शादी हो चुकी है किरण, और अभी भी हम लोगों को गोद में बैठा के बच्चों की तरह पालना चाहती है। अपनी जिंदगी को दो भागों में बांट दिया माने, एक मुझ में और एक दी में। Finally, कॉफी मानस, there's no time for coffee. मानस, एक इमरजेंसी आ गई थी, मुझे वैसी देर हो गई। आस्था will really be missing me. मानस, मैंने घर पर फोन भी नहीं किया है। आस्था तुम्हें मिस कर रही हो या ना कर रही हो इसका पता नहीं, लेकिन आस्था की माँ जरूर आस्था को मिस कर रही है। That is so true. जब से माँ बनी हो ना, दिमाग दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया है। एक हिस्सा आस्था के साथ रहता है, जहाँ जाऊँ जो कुछ कर रही हूँ बस आस्था का ही ख्याल आता है, और दूसरा हिस्सा इस आस्था से जुड़ गया है। इस हॉस्पिटल में रहती हूँ अपने पेशेंट्स के साथ, दो जिंदगियां जी रही हूँ एक साथ। तुम्हारी बच्चे भी काफी छोटी है, लेकिन शगुना और रश्मि के साथ काफी मजे से रहती है। पापा के साथ भी, यू हैव टू सी हर, पापा के साथ बहुत फ्रेंडली हो गई है वो। यू आर लकी सिमरन, यू हैव पूरे परिवार का सपोर्ट है तुम्हें। सोनू इज अ लवली चाइल्ड, क्वाइट कोऑपरेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग, बट दैट्स बिकॉज ही इज लाइक यू, केयरिंग एंड सेंसिटिव। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ख्याल है शादी के बारे में? What? तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारा पूरा खानदान चाह रहा है कि हम दोनों शादी कर लें। I know. उन्हें लगता है कि क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं, हम शादी के बंधन में भी बन जाएं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये जरूरी है? What do you mean? I mean, शादी एक तरफ होती है मानस, दोस्ती एक तरफ। You're absolutely right. वैसे शादी ठीक से निभाने के लिए वही क्वालिटीज चाहिए जो दो दोस्तों के बीच होती है, लेकिन पता नहीं शादी के बाद एक ही जैसे हालात में दो लोग जीने लगते हैं, एक ही सिचुएशन का सामना करते हैं, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डिमांड करने लगते हैं। अभी हम दोनों दोस्त हैं और मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आया हूँ, तुम मुझे रिलैक्स करने को कह रही हो। मैं भी ये चाहता हूँ कि अभी जो ऑपरेशन तुमने किया उसका टेंशन लेके तुम घर न जाओ, लाइक गुड फ्रेंड्स। लेकिन अगर तुम घर पहुंचो और मैं तुम्हारा हस्बैंड बन के वहां सामने खड़ा रहूं तो क्या होगा? क्या बात है सिमरन, रोज रोज इतनी देर से घर आना? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी इसलिए रुकना पड़ा। अरे हॉस्पिटल हॉस्पिटल, जब देखो तब हॉस्पिटल। तुम्हारा घर है, तुम्हारी बेटी है, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारी उनके लिए? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो मैंने आज तक नहीं निभाई? अरे जरा देर क्या हो गई, हॉस्पिटल से वापस आ रही हूँ, पार्टी से तो नहीं ना? और फिर घर में शगुना है, उसने आस्था को खाना खिलाकर सुला दिया होगा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अरे मेरा क्या है, तब से घर आया हूँ और एक ग्लास पानी को नहीं पूछ रहा। अब पानी देने के लिए मैं हॉस्पिटल छोड़कर तुम्हारे पास आऊँ? हाँ, शगुना से नहीं पानी मांग सकते थे तुम? शगुना 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 क्या करती हो? शगुना से ही सब करवाना होता तो मैं शगुना से शादी नहीं कर लेता। I'm so sorry मानस, we are best of best friends. I'm so sorry. एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई, इसे इसे टैक्सी में हॉस्पिटल ले जाएं। आप परेशान मत होइए, एम्बुलेंस पहुंच रही है, पेशेंस रखिए प्लीज। मैंने डॉक्टर मेहरा को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। मैं तो तभी डर गया था जब कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। बेटा आनंदी, आखिर मिसेस सक्सेना है कहाँ? देखो ना, एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई, क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बच्ची कब तक यूं पड़ी रहेगी? मैं होश में हो, क्या हो गया आनंदी? आनंदी आनंदी
क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ आनंदी? बोल ना आनंदी, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? कुछ बोल दो, क्या हुआ मेरे बच्चे को? बताओ ना मुझे आनंदी। Papa's really going to be disappointed on us. समझ में नहीं आता कैसे समझाएं मैं तो। जिस तरह से हम देख रहे हैं उतनी आसानी से तो वो समझने वाले नहीं। तो यही कहेंगे इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्या प्रॉब्लम है? पापा को समझाने की प्रॉब्लम तुम्हारी है, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। ना ना ना, नहीं नहीं, मैं नहीं उनसे बात करने वाला शादी के लिए, ना मेरी तरफ से तुम ही कहने वाली हो। मैं उनसे नहीं बात कर सकता इस बारे में। दूर दूर तक वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मैं उनकी किसी भी बात को ना कहूँ। आई एम हिज good boy and I am his good girl. Now Manas is putting me in a tight spot. Dekhte hain kya kehna unse. Main unse ye keh deti hu ki shaadi ke rasmon mein padhkar main acha dost nahi hona chahti. I think we have taken it. आपने तो कभी गलती की ही नहीं है, डॉक्टर सिमरन है आप। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमें आनंदी को यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। डॉक्टर, आनंदी कैसी है? बेहोश है, उसे ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। ये कैसे हो गया डॉक्टर? आपने इसे पहले एडमिट क्यों नहीं कराया? जिस तरह से वो गिरी है और जिस तरह इतनी देर तक बेहोश पड़ी रही है, बच्चा तो उसने पहले ही खो दिया था। अगर थोड़ी देर पहले ले आते तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन ना होती उसे। एनीवे, उनके हस्बैंड कहाँ हैं? जी जी, वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। ही शुड बी हियर, आप बुलवा लीजिए। तो, बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। डोंट वरी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। सिमरन ने आनंदी को फोन किया था शाम 7 बजे, लेकिन उस वक्त तो हम घर पे नहीं थे। आनंदी ने बात की नहीं। शायद सिमरन को कुछ मालूम हो। क्या सोच रहे हो? आनंदी के मोबाइल से विवेक को फोन कीजिए ना जल्दी। अगर इससे नहीं लग रहा है तो नीचे जाके पब्लिक बूथ से फोन कीजिए प्लीज। फिर वही न्यूज। अरे क्रिकेट चल रहा है, लगाइए ना। ये बहुत अच्छी खबर आने वाली है, जरा देखो सही। हाय बेटा, हाउ इज योर पेशेंट फीलिंग नाउ? ओह शी इज मच बेटर नाउ। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस का डर था, बट शी इज रिकवरिंग नाउ। दैट्स गुड। हाँ मैं बच्चू, खेलते खेलते सो गई। आयु उसे बहुत बातें करने की कोशिश कर रही थी। जाने क्या क्या बोल रही थी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बहुत बात तो नहीं निकलेगी वो। बिल्कुल मेरी तरह। गो एंड फ्रेशन अप बेटा जी, खाना लगाती हूँ। ओके आमला। हाँ आमला, पता मैं किस खबर के बारे में कह रहा था? हमारे रिपब्लिक डे के अवसर पर एज अ गुडविल जेस्चर पाकिस्तान ने हमारे 6 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करने का फैसला किया है। ओह दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। पता नहीं उनकी फैमिली कैसा फील कर रही होगी। जिसे शहीद मानकर वो जी रहे थे वो आदमी वापस लौट आया।
ये तो अच्छा है कि उन्हें रिलीज किया जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि 20-25 साल तक युद्धबंदी बनाकर रखा गया है और किसी को कोई खबर नहीं होती है कैसे हैं, किस हाल में हैं, और कई बार तो उन्हें मार भी दिया जाता है। How sad. लेकिन चलो, एक बात तो अच्छी हुई, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं। ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई, सिमरन के लिए खाना लगाना है, अभी आती हूं। Number of messages received. One. Bobby, I need you! Bobby! 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 विवेक का होगा? नहीं नहीं, इसमें तो सिमरन कॉलिंग आ रहा है। हेलो पापा जी, आनंदी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। बेटा उसे तो हॉस्पिटलाइज कर दिया है। व्हाट? क्यों, क्या हुआ है उसे पापा जी? पता नहीं, शाम से बेहोश है, अब तक होश में नहीं आई। ओ माय गॉड पापा जी, उसने मुझे फोन किया था, मैं बिजी थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई, लेकिन मैंने जब दोबारा फोन किया उसने फोन नहीं उठाया। पापा जी कौन, मुझे उसका फोन लेना चाहिए था, कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है वो? पटेल नर्सिंग होम। अरे पापा जी आप प्लीज घबराइए मत, मैं वहां पहुंच रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम आ जाओ। हेलो मानस, मानस सिमरन, मानस तुम मेरे साथ पटेल नर्सिंग होम चल सकते हो प्लीज? अभी? हाँ आनंदी, इट्स रियली सीरियस, वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। ठीक है, मैं आता हूँ, आ रहा हूँ अभी, आता हूँ। विवेक को मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, वो तो घबरा गया था। मैंने सिर्फ कहा कि आनंदी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए कहा गया है। उजित कर रहा था आनंदी से बात करने के लिए, तो मैंने झूठ कह दिया कि उसे सोनोग्राफी के लिए लेके गए हैं। जैसे ही सारे टेस्ट हो जाएंगे मैं उसे फ़ोन कर दूंगा। तो कब आ रहा है वो? मैंने तो उसे फौरन आने के लिए कहा है, अब पता नहीं इंडिया आने में कितना टाइम लगेगा। अभिमन्यु को फ़ोन लगा रहा था तो ऐसा लगा कि उसने मोबाइल ऑफ कर रखा। वो तो फ्लाइट पे होगा। दोनों आज ही रात को हनीमून पर गए। यहाँ के डॉक्टर्स कुछ बताते नहीं, सिमरन के आने पर ही पता चलेगा कि आनंदी की कंडीशन कैसी है। पता नहीं आनंदी ने सिमरन को कब फोन किया, जरूर आनंदी को कोई मेजर प्रॉब्लम होगी जो वो सिमरन से कहना चाहती थी। उसने 2-3 बार फोन किया। आपको कैसे पता? सिमरन ने बताया कि वो बिजी थी, इसलिए आनंदी का फोन आने पर वो उससे बात नहीं कर पाई। जरूर आनंदी की तबीयत खराब हो रही होगी, तभी वो उसे बार बार फोन कर रही थी। पर देखिए ना, सिमरन ने फोन उठाया तक नहीं। सब कैसी हमारी आनंदी बताइए। I'm sorry, हम लोग आनंदी को नहीं बचा सके।